गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट, वी आर रीडिंग चैप्टर 11, नेचुरल डिजास्टर, यानी कि प्राकृतिक आपदा. हमने इन चैप्टर में नेचुरल डिजास्टर पढ़ा था क्या है, और हमने इसके जो डिफरेंट टाइप है नेचुरल डिजास्टर के, ये इनके बारे में रीड किया था. आज अर्थक्वेक के बारे में, और इसको किस में मेज़र करते हैं अर्थक्वेक को. आज हमारा है सुनामी. सुनामी, आप पिक्चर देख रहे हैं बच्चों, यह सुनामी जो समुद्र के अंदर, सी के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं, यानी जो भूकंप आता है, और उसके अंदर जो बड़ी बड़ी वेव्स, ह्यूज वेव्स जो उड़ती हैं और समुद्र के किनारों को तोड़ती हुई ऊपर बिल्डिंग वगैरह पर जो भी होता है उन पर अटैक करती है. तो बच्चों, ये पिक्चर है हमारी सुनामी की. आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि हाँ, समुद्र की लहरें हज़ारों फीट ऊपर उठती हैं और सबको ये कितने बड़े डिजास्टर का रूप ले लेती हैं, और कितनी सारी बिल्डिंगें हैं या फिर लाइफ को डैमेज करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट, रीड करते हैं सुनामी. सुनामी आर ह्यूज वेव्स क्रिएट बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक. सुनामीज़ आर ह्यूज वेव क्रिएटेड बाई. सुनामी किसे क्रिएट होती है? जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं अंडर वाटर, जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक भूकंप आ जाते, डीप नियर द ओशन फ्लोर, जो बड़े बड़े महासागर हैं उनके अंदर क्या आता है, अर्थक्वेक भूकंप आ जाता है. तो फिर आगे क्या होता है, देखिए. When an earthquake strike near a sea, और जब या फिर वो सी के अंदर आता, अर्थक्वेक आ जाता, strike near a sea floor, और समुद्र के जो किनारे पर, ये आप देखिए इसको इधर से, ठीक है, स्पीड से आता है और इधर से उनको स्ट्राइक करते हैं. सी फ्लोर मूव अप एंड डाउन, सच एन अर्थक्वेक सेंड आउट शॉक वेव कॉल्ड सुनामी. और जो बड़ी बड़ी लहरें, जो समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आने से जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुनामी. दीज वेव आर वेरी बिग, बहुत बड़ी होती है, जो इसकी लहरें तो बड़ी ऊंची ऊंची होती है, एंड पावरफुल, बहुत पावरफुल होती है, एंड ट्रेवल इन वेरी एवरी डायरेक्शन, और ये मतलब एवरी डायरेक्शन में, मतलब हर जो दिशा में जाती है ये. सुनामी कैन मूव हंड्रेड ऑफ माइल्स पर आवर हवर इन द ओशन एंड कैन स्ट्राइक द लैंड विद वेव्स एज हाई एज 100 feet. बच्चों, जो सुनामी की जो वेव्स होती हैं वो इतनी हाई होती है और इतनी स्पीड से जाती है कि 100 mile, एक घंटे में 100 mile तक वो चली जाती है उनकी लहरें, इन द ओशन, समुद्र के अंदर. एंड कैन स्ट्राइक द लैंड, और फिर ये जो हमारे जो इसका ये लैंड पर है, ये स्ट्राइक करती है, ठीक है, जैसे धरती के पिक्चर में, विद वेव्स, किनके साथ, लहरों के साथ, लहरें उठती हैं ना, और वो समुद्र किनारे जोर जोर इधर उधर भी जाती हैं. एंड हाई, कितनी ऊंची होती है वो, हज़ारों फीट ऊपर ऊंची होती है. तो इसमें बिल्डिंगे वगैरह या और जो भी सारी चीज़, पेड़ पौधे, बड़े बड़े बिल्डिंगे वगैरह, वो सारी गिर जाती है, नष्ट हो जाती है. As it approaches to shore, और ये कहाँ तक, जो किनारों को तोड़कर और आगे तक जाते हैं, it increase in height, और इसकी हाइट बढ़ती जाती है, and cause unimaginable, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी ऊँची, इतनी ज़्यादा नुकसान होता है, damages of life and property near the sea shore, जो समुद्र के किनारे जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो वहाँ पर मछुआरे वगैरह रहते हैं, जो उनकी बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, या उनको तो वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाते हैं, उनको डैमेज करते हैं, ठीक है. द प्रॉपर्टी ऑफ द सुनामी इज मोस्ट विजिबल इन द कोस्टल एरिया, और ये कहाँ पर, सुनामी किसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो समुद्र के किनारे होते हैं, यानी जो तटीय जो एरिया होता है, समुद्र के जो किनारे या फिर जो ओशंस का जो किनारा होता है, उन पर ज़्यादा इफेक्ट करता है. द वॉल, डोर, विंडो, फ्लोर ऑफ द हाउस इन द एरिया स्टार्ट शेकिंग एंड वाइब्रेट, और जो इस एरिया के आसपास में
जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनकी वाल दीवारें डोर्स दरवाजे विंडोज खिड़की और फ्लोर वो क्या करना है ऑफ द हाउस इन घरों के स्टार्ट कर देते हिलने शुरू करते वाइब्रेट हिलना और कंपन पैदा करने होनी शुरू हो जाती है। हाउस होल्ड फर्नीचर एंड आर्टिकल्स बिगन टू रेटल मतलब वो जो घर में रखा हुआ सामान वो अभी इधर उधर गिरने शुरू हो जाते डिशेज एंड ग्लास पीसेस क्रैश इन द फ्लोर और वो जो भी घर में जो ग्लास पीसेस होते हैं जो शीशे का सामान होता है वो भी क्रश फ्रश पर गिर के टूटने लग जाते हैं मतलब जब ऐसे समुद्र के आसपास ऐसे सुनामी आता है। ऑन द 11th March 2011 द सुनामी इन जापान लेफ्ट 1000 डेड एंड मैनी मोर होमलेस 11 मार्च 2011 को सुनामी कहाँ पर आया था जापान में आया था और उसके जाने के बाद क्या 1000 जो लोग डाइड हो गए थे एंड मैनी मोर और उससे ज़्यादा बेघर हो गए थे होमलेस यानी कि बेघर हो गए थे। नेक्स्ट हमारा फ्लड फ्लड यानी कि बाढ़ आती है जो बाढ़ आती है ना बहुत अधिक बारिश के वजह से मकानों के अंदर वो पानी भर जाता है और पशु पक्षी जो हमारे पशु होते हैं जान एनिमल्स होते हैं वो भी उसके अंदर डूब जाते हैं फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं उनके बचाव के लिए जो ऑपरेशन चलाया जाता है बचाया जाता है ना घरों के ऊपर चढ़ जाते पेड़ों के ऊपर लेकिन उनको खाने पीने के लिए फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाए आप देखिए पिक्चर में फ्लड यानी बाढ़ आ जाती है। अ फ्लड इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर एंड एनी अदर बॉडी ऑफ वाटर तो फ्लड क्या होता है बाढ़ क्या होता है जब वाटर या नदियों का जो पानी होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है यानी कि जितना उनके अंदर बहना चाहिए उससे ज़्यादा बाहर बहता है और फिर वो नदियों से पानी वो बाहर निकलता है जब बाहर निकलेगा तो वो कहाँ पर जाएगा गाँव में आसपास के एरिया में जाएगा और फिर वहाँ पर सब जगह घरों में सब जगह पानी भर जाता है ठीक है। एनी अदर बॉडी ऑफ वाटर इट काज हैवी लॉस ऑफ लाइफ और इससे बहुत अधिक लोगों को लाइफ लोगों का नुकसान होता है यानी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं एंड प्रॉपर्टी और जो संपत्ति होती है वो भी उसका नुकसान होता है किसी के घर है जानवर है या बहुत सारी चीज़ें बिल्डिंग है वगैरह इन चीज़ों का नुकसान होता है। फ्लड डैमेज प्रॉपर्टी एंड क्रॉप और फ्लड से क्या नहीं होता प्रॉपर्टी मतलब बहुत सारा जो सामान वगैरह वो और क्रॉप्स यानी फसलें बर्बाद होती हैं। पीपल बिकम होमलेस लोग बेघर हो जाते हैं एज देयर होम्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड और उनके जो घर डिस्ट्रॉय नष्ट हो जाते हैं ड्यू टू फ्लड फ्लड के कारण बाढ़ के कारण उनके घर खत्म हो जाते जैसे देखो इन घरों में पानी भर गया ना। फ्लड आल्सो एज एंड एंगर द लीव्स ऑफ द पीपल दे कैन काज डेथ ड्यू टू ड्रॉइंग तो डूबने से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। द फ्लड वाटर कंटीमिनेट्स और फ्लड वाटर के अंदर क्या क्या होता है फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड स्प्रेड डिसीज तो फ्लड बाढ़ के कारण क्या होता है कि उससे फूड और ड्रिंकिंग पानी और स्प्रेड डिसीज पानी खाने का पीने का इनकी कमी पड़ जाती है और क्या होती है डिसीज बीमारियाँ वो फैल जाती है ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही आप इस चैप्टर को दोबारा रीड करेंगे उसको ध्यान से पढ़ेंगे और आपने आस पास ऐसे जब पिक्चर देखे आप ये पिक्चरें अपनी नोटबुक में पेस्ट करनी है अगर आपको ऐसे फ्लड की सुनामी की पिक्चर वगैरह मिले तो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।